कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते हैं जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें। देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते हैं जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पड़ा, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और दो चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा।